Hey guys, what's up? My name is Panchu and you're watching DB Technical World. आज की वीडियो में हम सिंपली करने वाले हैं एक स्पीड टेस्ट जो कि होगा Realme X7 Pro एंड Oppo Reno 5 Pro के बीच में। सबसे पहले हम इसके कुछ स्कोर्स जानेंगे, उसके बाद इसका एक एप्लीकेशन स्पीड टेस्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे इन दोनों की स्पेसिफिकेशंस दिखा देता हूँ। दोनों में आपको सेम प्रोसेसर मिलता है, तो यहाँ पे दोनों में टक्कर काफी बढ़िया होने वाली है और देखने वाली रहेगी। और मैं सीरियसली बता रहा हूं, बहुत ज्यादा स्लो मोशन का यूज लगने वाला है इसमें। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस। तो गाइस, सबसे पहले हम यहां पे अंतुतु स्कोर को टेस्ट करेंगे। तो यहां पे मैं इनको स्टार्ट कर देता हूं। तो यार 80% तक तो दोनों बिल्कुल ऑलमोस्ट नेक टू नेक चले थे, बट उसके बाद यहाँ पे Realme X7 Pro आगे निकलता हुआ दिखा मुझे। और यहाँ पे फाइनली स्कोर भी आ चुका है। तो यहाँ पे Realme X7 Pro का है 5,30,688 एंड वहीं पे Oppo Reno 5 Pro का है 4,51,810। तो यहाँ पे क्लियर विनर है स्कोर वाइज तो यार Realme X7 Pro। चलते हैं हम सीधा यहाँ पे दूसरे बेंचमार्क स्कोर की तरफ, जो की है मेरे पास Geek Benchmark 5। तो यहाँ पे इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि दोनों बिल्कुल नेक टू नेक चल रहे हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे स्कोर भी आ चुका है। सिंगल कोर स्कोर में Realme X7 Pro का है 758 एंड मल्टी कोर स्कोर है 2757 एंड वहीं पे Oppo Reno 5 Pro का है 722 बट यहाँ पे मल्टी कोर स्कोर है 3026। तो देखा जाए तो सिंगल कोर स्कोर में विनर है Realme X7 Pro एंड यहाँ मल्टी कोर स्कोर में विनर है Oppo Reno 5 Pro। सो गाइस, अब बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन स्पीड टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले मेरे पास Google Play Store, इसको ओपन करके देखते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही ओपन हुए हैं। नेक्स्ट है मेरे पास Google Maps, इसको ओपन करके देखते हैं। ओके गाइस, ये भी दोनों साथ में ही ओपन हुए हैं, जैसे कि आप स्लो मोशन में भी देख रहे हो। नेक्स्ट ओपन करते हैं यहाँ पे Google Chrome को। अरे बाप रे बाप, ये भी दोनों साथ में ओपन हुए गाइस, क्या कमाल का स्पीड टेस्ट चल रहा है। चलते हैं गाइस नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ, जो कि है यहाँ पे Amazon। ओके, तो यहाँ पे पहले विनर आ गया है Realme X7 Pro। नेक्स्ट है मेरे पास Flipkart। ओके गाइस, तो यहाँ पे Oppo Reno 5 Pro ने बाजी मार ली है, मतलब क्या मजा आ रहा है यार, कभी कोई कभी कोई कभी साथ में। नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे Facebook। ओके, इसको ओपन करते हैं। ओ ग्रेट मैन, ये दोनों भी साथ में ही ओपन हुए हैं। नेक्स्ट है Instagram, इसको ओपन करके देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे तो क्लियर विनर निकल के आता है Realme X7 Pro। नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, ये है मेरे पास Amazon Prime Video। ओके गाइस, तो यहाँ पे स्लो मोशन में आप देख सकते हो कि Oppo Reno 5 Pro पहले ओपन हुआ है। सो गाइस, नेक्स्ट है यहाँ पे YouTube और इसको ओपन करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसे नहीं पता लगेगा, एक बार स्लो मोशन में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे क्लियर विनर आया है Realme X7 Pro। डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है बट विनर इज विनर गाइस। सो नेक्स्ट है यहाँ पे YouTube Music, इसको ओपन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ओपन हुआ है Reno 5 Pro गाइस। सो गाइस, अब चलते हैं सीधा यहाँ पे गेमिंग एप्लीकेशन की तरफ। सबसे पहले मेरे पास Asphalt 9, इसको ओपन करते हैं। तो स्टार्ट तो ऑलमोस्ट साथ में हुए हैं बट यहाँ पे पहले कौन सा ओपन होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे Realme X7 Pro पहले ओपन हुआ है और उसके कुछ सेकंड्स बाद यहाँ पे Reno 5 Pro ओपन हुआ है। तो क्लियर विनर है Realme X7 Pro। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे Call of Duty, इसको ओपन करते हैं। ओके गाइस, तो Realme X7 Pro ओपन हो गया है। ऐसा लगा था कि Oppo विन कर जाएगा बट Realme ने एंड में बाजी मार ही ली। नेक्स्ट ओपन करते हैं हमारी इंडियन गेम विच इज फौजी, इसको ओपन करके देखते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे दोनों ऑलमोस्ट सेम खुली हैं, ऑलमोस्ट सेम टाइम पे आए। नेक्स्ट एंड लास्ट एप्लीकेशन है गाइस सबवे सर्फर, इसको ओपन करके देखते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पे फाइनली Oppo Reno 5 Pro ने एंड में एक एप्लीकेशन में विन किया है। तो स्कोर आपके सामने है दोनों के, कौन विनर हुआ आप क्लियरली देख ही सकते हो, मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है।
एंड ये था गाइस एक छोटा सा स्पीड टेस्ट इन दोनों स्मार्टफोन्स के बीच में। अगर आप कैमरा टेस्ट चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इसके साथ तीसरा फोन कौन सा होना चाहिए ये भी बताना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई नए कंपैरिजंस के साथ। तब तक के लिए गाइस दिस इज दिवांशु बहल, जय हिंद।